हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार है। और आज यहाँ पे डिस्कस करने में, आज के अगर मैं बात करूँ, रात को तो 12 बज रहा है, शायद आपको दिख पा रहा होगा 12:35 हो रहा है। और फिर फाइनली कल हम आप लोग के लिए मॉर्निंग में यही प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले। तो प्लीज़ जितना मेहनत हम करते हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग भी मेहनत करेंगे। और मैं शुरू से ही बीपीएससी का कई सारा बीपीएससी एग्जाम का जनरल स्टडी वाला पार्ट में देखता हूँ यहाँ पे। एंड सो आप लोग के लिए भी मैं जनरल स्टडी वाला पार्ट ही देखूंगा। और टेक्निकली तो मैं पॉलिसी में काफी लगाव रहा है। खैर, हम यहाँ पे लास्ट ईयर कटअप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या कटअप थी। और दूसरा, काफी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आते हैं कि यार एग्जाम कब तक हो जाएगी, ये डाउट होती है। तो काफी कुछ यहाँ पे हम जिक्र करने वाले हैं। लेकिन आप लोग पहली बार है, हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई छोटा अपडेट हो या बड़ा अपडेट हो आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड, सारे ही अपडेट हम इस चैनल पे या टेलीग्राम पे शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और क्लास नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। याद रख लीजिएगा, क्लास का प्राइस हम बहुत ही कम रखें, 600, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर हो गए यहाँ पे, साथ में नोट्स हो गए यहाँ पे, हम साथ में टेस्ट सीरीज हो गए यहाँ पे, केवल जनरल स्टडी वाला पार्ट होगा। साथ में हम हिंदी को भी ऐड कर देंगे और साथ में इंग्लिश को भी ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा और कुछ करेंट अफेयर काफी एक महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम की वजह से। तो हो सकता है हम ये लाइव लेके चलाएं ऐप पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी सारा क्लास अपलोड हो चुकी है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं। एंड सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो गाइस, ये कुछ देख सकते हैं, कट ऑफ है लास्ट ईयर जो रिजल्ट आई थी 2022 में। हालांकि एडवर्टाइजमेंट बात करने वाले हैं, 2017 में ही देखने को मिलती है। हम आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाने वाले, दोनों कुछ ही आपको दिखाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें, 2017 में वैकेंसी निकलती है, 2022 में पूरा क्लियर किया जाता है रिजल्ट वगैरह। उम्मीद कर सकते हैं कि आपका वैकेंसी 2024 में निकला है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा, है ना। सोच ले सकते हैं कितना समय के गैपिंग के बाद इनका रिजल्ट जारी किया गया था, कटअप जारी किया गया था। एंड ये मेरा गाइस व्हाट्सएप का नंबर है, कॉलिंग है, कोई दिक्कत आ रही है इसी से आप बात कर सकते हैं। ये मेरा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कटअप। अगर हमने आपको एडवर्टाइजमेंट फर्स दिखाऊं, नाउ ये देख सकते हैं गाइस, ये है कुछ एडवर्टाइजमेंट जो कि आप लोगों का जो विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिखा है, 2/2017 की ये वैकेंसी आई थी। उसमें भी गाइस मैकेनिकल हो, सिविल हो, सभी का वैकेंसी यहाँ पे दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। और उस समय भी यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, लगभग 963 पोस्ट थी और काफी अच्छा विभाग था यहाँ पे। एक ही विभाग देखने को मिलती है, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग ही देखने को मिलती है। खैर, पूरा असिस्टेंट इंजीनियर का ही वैकेंसी है, सिविल, है ना। खैर, काफी अच्छा पोस्ट उस समय हमें देखने को मिल रही थी यहाँ पे। और यहाँ भी कुछ इसी तरह सिलेबस भी पिछले साल अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह यहाँ पे सिलेबस हमें देखने को मिलती है। यहाँ भी जैसे पिछले साल सिलेबस था यहाँ पे सामान्य हिंदी और इंग्लिश को केवल पासिंग के लिए, मतलब 30-30 नंबर ही चाहिए। बाकी अगर हम बात करने वाले जनरल स्टडी हो, सामान्य अज्ञानता विज्ञान हो, भाग वन एंड भाग टू है जो कि आपका ब्रांच होती है यहाँ पे, तो 400 नंबर पे ही आपका बनना था। और 100 नंबर इंटरव्यू का जोड़ सकते हैं, इंटरव्यू जरूरी। एक असिस्टेंट बनने जा रहे हैं, उस विभाग का एक हेड बनने जा रहे हैं, उस विभाग का एक मुखिया बनने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू जरूरी है यहाँ पे। खैर, यहाँ पे हम केवल एक वाले पार्ट देखने वाले जनरल स्टडी। सो कटअप देख लेते हैं यहाँ पे, कटअप देख सकते हैं जो एग्जाम जो आई थी, मतलब जो आपको अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिकल का भी साल 2017 में वैकेंसी देखने को मिली थी। लेकिन ये ओवरऑल कटअप है, कुछ एक्सपेक्टेड कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ जनरल का कटअप बात करने वाले हैं, 400 में से 292, मतलब कंपटीशन आप देख सकते हैं 392 नंबर आई थी। आप उम्मीद कर लीजिए कि क्या कटअप इस बार जा सकती है यहाँ पे, कंपटीशन बढ़ता ही है ना कि घटता है यहाँ पे। अच्छा, आप में से बहुत सारे को लगता है यार सारे जॉब करते हैं, भाई जॉब करके भी पढ़ते हैं, मैं कुछ दिन में ही रिजल्ट, मतलब कुछ दिन में काफी सारा कटअप वगैरह भी जारी कर दूंगा। जैसे ही बच्चे ऐप पे आएंगे तो टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे, तो वहां पे मैं देख सकता हूँ कि कितना कितना क्वेश्चन वो कवर कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो वो सब चीज भी मैं आप लोग से शेयर करता ही रहूंगा, टाइम टू टाइम काफी कुछ लेके आते रहेंगे। फाइनल कटअप 100 नंबर और जोड़ दीजिए इंटरव्यू का, तो 477 देखने को मिलती है। वही फीमेल का बात कर रहे हैं यार, फीमेल का बहुत ही कम देख सकते हैं, 392 कहाँ है, 2275 देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो 275 है। और यहाँ पे देख सकते 394 फीमेल के लिए, तो काफी बिहार में अगर आप फीमेल पढ़ते हैं तो उनके लिए तो काफी बेटर है।
एससी का देख लीजिए 293 है, वही एससी फीमेल का देख लीजिए 221 नंबर है, टोटल 263 पे गया है यहाँ पे। तो फीमेल के लिए बहुत ही बेस्ट मैं मानता हूँ, आई थिंक बिहार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फीमेल। 348 है एसटी के लिए, वही ऑल ओवर देख सकते हैं 349 पे लिया गया यहाँ पे। एसटी में फीमेल का देखिए 230 है यहाँ पे, और 200 यहाँ पे बात करने वाले गए 435 पे इनको फाइनल ले लिया गया। ये कुछ कट ऑफ है जो कि देख सकते हैं, इसी अकॉर्डिंग आपका जो भी गैस कैटेगरी है उस कैटेगरी का आप देख सकते हैं। इनका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको हम 2017 वाला दिखा देंगे, वो भी हम आपको भेज देंगे, और ये चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिएगा। याद रख लीजिएगा बीपीएससी में टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, तो ये नहीं कि केवल टेक्निकल वाला पार्ट पे ही फोकस करें और नॉन टेक वाला पार्ट पे फोकस ना करें, ठीक है। तो नॉन टेक भी देखेगा और मैं नॉन टेक वाला ही पार्ट आप लोग के लिए बीच देखता हूँ यहाँ पे। खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम कब हो जाएगा। सबसे बड़ा एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा बीपीएससी के वेबसाइट पे आते हैं। तो ये बीपीएससी का वेबसाइट है और यहाँ पे हम कैलेंडर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैलेंडर डाउनलोड करेंगे और कैलेंडर में देखेंगे कि आप लोग का एग्जाम के बारे में कहीं जिक्र किया गया है कि नहीं, कि बस ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं ये है गाइस कैलेंडर। और आई थिंक हमने इस कैलेंडर को थोड़ा सा देखने की कोशिश किया तो हमें कहीं नहीं नजर आया असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम से रिलेटेड चर्चा किया गया, हेड मास्टर वगैरह का दिया गया, हेड टीचर वगैरह का दिया गया, लेकिन आप लोग के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया। अब इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पिछले साल जब 2022 में वैकेंसी सॉरी 2017 में जब वैकेंसी आई थी तो उनको 2022 लग गया क्लियर करने में, ठीक है। 2022 के आप सुन लो 2023 में ज्वाइनिंग देखने को मिलती है यहाँ पे, उसके बाद भी तो काफी सारा प्रोसेस होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो आप लोग का 2024 में आया, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2024 है ना, 2024 के नवंबर तक में, क्योंकि एग्जाम इतना जल्दी नहीं लेगा क्योंकि ऑलमोस्ट शेड्यूल लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं काफी ज्यादा शेड्यूल लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं सितंबर तक तो आपका किसी भी कीमत पे एग्जाम नहीं होगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम हो जाना चाहिए। याद रख लीजिएगा अगर किसी प्रकार का दिक्कत होती तो और डिले हो सकती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन एग्जाम हो जाएगा। और फाइनली हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में इलेक्शन है, अक्टूबर नवंबर में उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन भी हो जाना चाहिए, हालांकि डेट नहीं आई, इससे पहले पहले तक आई थिंक आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ आपका एक प्रोसेस जा सकता है लगभग एक साल से भी ज्यादा, मतलब 12 मंथ से भी ज्यादा एक लंबा चौड़ा आपका प्रोसेस जा सकता है इस पूरा प्रक्रिया में यहाँ पे। तो खैर वैकेंसी आई तो खुशी की बात है, लेकिन सपना भी देखना चाहिए, लेकिन इतना भी सपना मत देख लीजिए कि अब वैकेंसी आई और कल ही मेरा ज्वाइनिंग हो जाए, तो आप में से बहुत सारे एक्साइटमेंट होते हैं, एक्साइटमेंट नहीं होना यहाँ पे, ठीक है डियर। एंड सो आज के लिए केवल इतना ही है, कल मॉर्निंग में हम भले ही क्वेश्चन कम लेके आते रहते हैं 10 क्वेश्चन, लेकिन ऐप पे आपको अलग अलग टीचर के माध्यम से जीएस का सारा पोर्शन कवर कराया जाता है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।